अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना होस्ट नज़ाकत अली खान फ्रॉम पंजाब म्यूजिक ग्रुप। हमारा जो कि चैनल आप पीएमजी चैनल देखते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आते हैं। आज इसी तरह हम हमारे बड़े सीनियर, हमारे बड़े अच्छे फनकार जिनका नाम अब्दुल खैर खान है, जो फ्रॉम इंडिया से तल्लक रखते हैं, दोहा कतर में मुकीम है और माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक और बहुत अच्छा गाते हैं। आज उनसे हम उनकी हट बीती और जो भी आज तक उन्होंने गाया, जो प्रोग्राम किए, आज हम उनसे बात करेंगे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे अच्छे भाई भी हैं, तो आए हम मिलते हैं मिस्टर अब्दुल खैर खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है, ठीक ठाक है जी? अब्दुल खैर भाई, आज हम आपके घर आए हैं आपका गाना सुनने और आपकी बातें सुनने की आज तक आपने क्या किया, तो आप हमारे नाज़रीन जितने भी हैं, हमारी पब्लिक है, उन्हें बताएं। थैंक यू वेरी मच जी। बस यही है, यहाँ जब से आए हैं तो अकेलेपन को दूर करने के लिए बहुत सारे आप जैसे दोस्त अहबाब भाई रिश्तेदार मिले, थोड़ी सी हौसला अफजाई की माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही करते रहे और करते करते अब यहाँ तक भी कर ही रहे हैं, अब देख ही रहे हैं, वही सब होता है जी। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आपको गाने का शौक कहाँ से हुआ? शौक तो खैर बचपन से ही था, लेकिन चूंकि हमारे इलाके में बड़ा इसको मायूस समझा जाता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, वो वहाँ इतने खुल के आदमी गा नहीं सकता था, फिर बाजे वजे के साथ तो और बीमार मसला था। अच्छा, इस तरह से अकेले आप कोई गजल या कोई चीज़ पढ़ें तो उसमें कोई तो ये नहीं थी, कोई हरज या कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन हाँ यहाँ आने के बाद फिर ये हुआ कि नहीं यार ये तो करना चाहिए, अकेलेपन का साथ। बहुत से लोग बतलाया कि मेरे बहुत अच्छे नज़ाका साहब थे, एक आपके यहाँ एजाज साहब थे, अच्छा अच्छा हमारे यहाँ किशोर सोलंकी, अच्छा हमारे ए पी सिंह जैसे कदरदान, बहुत सारे लोग मिले, अतीक अंजर, ललित निज़ामी, बेशुमार लोग हैं जो नाम तो याद आएंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। तो फिर उन्होंने हौसला अफजाई की और फिर इस तरह से वक्त गुजारी के लिए ही करता था कि चलिए अपने इलाके दूसरे मुल्क में जाके और अपने तहजीब और अपनी एक जो अंदर की चीज़ थी जो अल्लाह ने दी थी वो उसे आपने बाहर लाया। हाँ, बाहर लाया तो अच्छा। आप माशाल्लाह परदेश में काफ़ी अरसे थे, जब आपने गाना शुरू किया तो आपको सबसे पहले किसका गाना पसंद था, कौन सा आर्टिस्ट ज़्यादा पसंद हुआ जिसको आपने देख के शुरू किया? देखिए, आर्टिस्ट तो ऐसा है कि किसी को देख के, दुनिया हमारे जिस ज़माने में जिसकी चलन रहती है, हमारे यहाँ जब हम हिंदुस्तान में थे तो रफ़ी साहब बहुत ज़्यादा चलते थे, वैसे किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश, सारे लोग ही बहुत ही मुझे अजीज हैं, लेकिन ज़्यादातर गाने चूँकि रफ़ी साहब के बजते थे तो उनके गाने सुनते थे। फिर 76 में जब बम्बई आया तो वहाँ गज़लों का चलन, मेहदी हसन साहब आए, फिर गुलाम अली साहब, तो इन लोगों को भी सुनते सुनते इस तरह से ये हुआ कि बहुत अच्छे लगने लगे और सब एक किस्म की वो हो गई कि जो अच्छी धुन लगे, जो अच्छी शायरी लगे, तो वो हम गाना शुरू कर दिए कि जो भी महफिलों में बैठते थे जो फरमाइश होती थी कि ये गाइए, अगर याद रहती गाते थे। अच्छा अब्दुल खैर भाई जी, आपके पास हम आए हैं, माशाल्लाह आप ये हारमोनियम पड़ा हुआ है, इसको आप बजाते भी हैं, मैंने आपको बहुत दफ़ा सुना भी है, और माशाल्लाह अच्छी काबश है आपकी और अच्छी गज़ल गीत ठुमरी हर चीज़ आप गाते हैं, और मैंने आपको बहुत सुना है, आई लाइक इट, कि मैं आपको पसंद भी करता हूँ, और आपने के साथ मैं कभी कभी तबला भी बजाता हूँ जो थोड़ा बहुत मुझे बुरा सा आता है, तो ये मेरे भाई हैं। लेकिन आज हमें आप हमारी आवाम को, हमारी पब्लिक को क्या सुनाना पसंद करेंगे? तो इस तरह से आपने अचानक एक फरमाइश की, देखिए गाना भी जहन में आ रहा है तलत साहब का, जी जी, तो हमने वही मैं आपको सुना जी जी। ये हवा ये रात ये चांद,
एक अदा पे निसार है ये हवा तेरी एक अदा पे निसार है मुझे तू न हो तेरी आरज़ू तेरी जुस्तजू में बहार है क्या कहते हैं क्या कहते हैं माशाल्लाह। वाह जी देखें ये हमारे बड़े अच्छे फनकार माशाल्लाह अबुल खैर भाई, हमने इनसे बहुत सारी बातें भी कर ली और गाने भी सुनने हैं। देखें हम गाना पूरा तो नहीं पब्लिक को सुना सकते, ये प्रोग्राम हमारा ये है कि आज का हमारा इंटरव्यू था जो कि हम अबुल खैर भाई साहब से उनकी आप बीती सुनना चाहते हैं तो वो चल रही है। अच्छा अबुल खैर भाई ये बताएं कि दोहा में आपने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपके दिल को लग गया? हाँ बहुत सारे, ये तो आप ही का प्रोग्राम था रफी नाइट आपने मनाई थी और वो मेरे लिए बड़ा यादगार वो प्रोग्राम हुआ रफी साहब की वर्षी के मौके पर। वो जी नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे प्रोग्राम का बहुत मज़ा आ रहा होगा जैसे कि अबुल खैर भाई। अच्छा अबुल खैर भाई जी आपसे एक सवाल है, मैं जब से दोहा आया हूँ आपको सुन रहा हूँ माशाल्लाह आप बहुत सुनना चाहते हैं, तो दोहा में एक पंजाब म्यूज़िक ग्रुप है जिसको मैं ही चला रहा हूँ, तो ये मेरा चैनल भी आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ये बताएंगे कि आप पंजाब म्यूज़िक ग्रुप के बारे में कुछ कहेंगे? नहीं वाकई पंजाब म्यूज़िक ग्रुप तो बहुत ज़माने से और जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम किए यहाँ पे वो पंजाब म्यूज़िकल ग्रुप में किए, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी लेके आए और हम जैसे वहाँ कोई पहुँच तो नहीं थी तो माशाल्लाह आपने उनको बुलाया और हमें सुनाया, हमने सुना उनसे बहुत कुछ सीखा भी, तो ये तो आपका चैनल का कमाल है क्योंकि आप भी आपके सामने मैं क्या कहूँ, ये आपका अपना चैनल है बिल्कुल मेरा चैनल है जो भी है, लेकिन आप इसके लिए बार-बार मुस्तहक हैं कि आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सुनिए और मझे हुए आर्टिस्टों को यहाँ बुलाया और सुनाया पंजाब म्यूजिक ग्रुप का बहुत बड़ा कारनामा है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अबुल खैर खान साहब मुझे ये लकब दे रहे हैं और ये मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, हालांकि मैं इस तारीफ़ के काबिल नहीं, लेकिन ये हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं तो इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे अल्फाज कहे। तो मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में आपने बहुत गाया, कोई ऐसा गाना जो आपकी ज़िंदगी पे आ गया हो या आपको बहुत पसंद हो तो उसके कोई दो एक अंतरास्ताई हमें सुना सकते हैं? ये वाकई बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन एक अभी जहन में वाकई गाना मुझे बहुत ही पहले से भी लगता था अच्छा, अभी भी बहुत अच्छा लगता है। जी जी बिस्मिल्लाह। अब मेरे द्वार तेरे
क्या कहने, वाह वाह वाह। नयन हमारे, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। आपने सचमुच समा बांध दिया और ये आप ही का काम है। और बात ये होती है कि जब दिल में दर्द हो और मोहब्बत हो और सच्चाई हो गाने में, तो फिर ही गाना बनता है, वरना गाना गाया नहीं जाता। वरना गाना तो कहता है गा ना, कि ये नहीं, इतना मुश्किल काम है कि ये मत कर। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम ये बहुत पसंद आया होगा। पहले की तरह इसी तरह हम आपको हर आर्टिस्ट की इंट्रोडक्शन और उनका इंटरव्यू वगैरह हम करेंगे और आपको दिखाएंगे, और उनका जो जो लोग जो जो कुछ कर रहे हैं हम आपको बताना चाहते हैं। पंजाब म्यूज़िक ग्रुप के साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इसको लाइक करें। थैंक यू। आपका अपना होस्ट नज़ाकत अली खान, अल्लाह हाफिज़।